फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक ग्राइंडर लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी कंपनी का ग्राइंडर लेना चाहिए और उसमें आपको क्या क्या क्वालिटी देखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास एक ग्राइंडर है, तो मैं इसकी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँगा कि इसके अंदर किस तरीके से इसके क्या क्या सामान निकलते हैं और उनकी फिटिंग किस तरीके से की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस ग्राइंडर की कुछ डिटेल्स लिख रही हैं, AP-801 एंगल ग्राइंडर। तो चलिए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर किस तरीके के इसके पार्ट्स निकलते हैं और उनकी फिटिंग किस तरीके से की जाती है। तो चलिए मैं आपको इसे खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसके साइड में पीछे से मैं इसे खोल लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारा ग्राइंडर है, जैसे पन्नी निकाल के आपको दिखाई देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ग्राइंडर है, यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल्स लिख रही है, मैं आपको बता देता हूँ। तो देख पा रहे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारा एंगल ग्राइंडर, यहाँ पे 220 वोल्ट एसी करंट पे चलता है और यहाँ पे इसके राउंड होते हैं 11,000 RPM पर मिनट, मतलब एक मिनट में ये 11,000 बार ये घूमता है। और इसमें आप 100 mm का ब्लेड इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इसे खोला जाता है, फिर इसके अंदर ब्लेड फिट करके आपको इसे टाइट कर देना है। तो टाइट करने के लिए यहाँ पे कुछ इसके टूल्स दिए गए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन से आपको टूल यूज करने हैं। फिर इसके बाद मैं आपको इसे चेक करके भी दिखाऊँगा किस तरीके से काम करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इसे ऑन ऑफ करने के लिए इसके पीछे एक ऑन ऑफ स्विच दिया गया है, जिसकी मदद से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और आपको इसमें ब्लेड कसना हो तो यहाँ पर एक स्विच दिया जाता है, जिसकी मदद से इसकी जो राउंड है वो यहाँ पे घूमना बंद हो जाता है, जिससे आप ब्लेड को टाइट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसके टूल्स निकाल के आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके अंदर कुछ टूल्स दिए गए हैं, ये इसका हैंडल है, जिसकी मदद से हम इसे पकड़ के किसी चीज़ को काट सकते हैं। और ये यहाँ पे इसका सेफ्टी कैप है, जिसकी मदद से ब्लेड में से कुछ भी कोई भी टुकड़ा मतलब बाहर की तरफ नहीं गिरता है, और इसे ब्लेड सेफ्टी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको इसे इसमें सेट करके भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे ब्लेड को टाइट करने के लिए ये टूल दिया गया है। तो चलिए मैं सारे टूल्स को यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको ये यूज करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरीके से सारे टूल्स इसमें सेट करने हैं। तो यहाँ पर पहले मैं इसके कैप को सेट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके कैप को सेट करने के लिए आपको इसे इसके ऊपर ईजिली फिट कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका जो स्क्रू है वो आपको स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देना। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसके स्क्रू को टाइट कर दिया है। चलिए मैं आपको इसका जो हैंडल है वो फिट करके दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका हैंडल किस तरीके से फिट किया जाता है। तो हैंडल फिट करने के लिए यहाँ पर दोनों साइड में जगह दी है, तो अगर आप लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो आपको इसे इस तरफ एडजस्ट करना होगा, और यहाँ फिर आप राइट हैंड से काम करते हैं तो आप इसे इस तरफ कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसे इस साइड में सेट कर लेता हूँ। तो सेट करने के लिए आप इसे इजीली इसी तरीके से सेट कर सकते हैं। तो हमारा जो ग्राइंडर है वो यहाँ पे अच्छे तरीके सेट हो गया है, और आप इसे अब इजीली इसे यूज कर सकते हैं। चलिए मैं इसमें ब्लेड सेट करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इसमें किसी भी तरह का ब्लेड यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई लकड़ी काटनी है तो लकड़ी का जो ब्लेड होता है वो यूज कर सकते हैं, या अगर आपको कोई भी मार्बल कटिंग करनी है तो आप मार्बल का ब्लेड यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई लोहे की चीज़ काटनी है तो लोहे का इस तरीके का ब्लेड होता है, वो भी आप इसमें ईजिली यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे इस्तेमाल करते वक्त आपको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि हाथों में ग्लव्स पहनने चाहिए, आंखों पे आपको चश्मा भी लगाना चाहिए, और चेहरे पे आपको मास्क का यूज़ करना चाहिए। तो इसे चलाते वक्त आपको पूरी सावधानी बरतनी है। चलिए मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस ब्लेड को सेट करके आपको दिखाता हूँ। तो ब्लेड को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर इसके पीछे लॉक है उसे प्रेस कर लेता हूँ, और इसके यहाँ पर स्क्रू से इसके बोल्ट को यहाँ पर खोल लेता हूँ। इसके बाद इसमें इजीली ब्लेड को लगाना है, उसके स्क्रू को ऊपर से टाइट कर देना है। तो चलिए इसे यूज करके देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि हमारा जो ग्राइंडर है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको इसके कैप को पीछे की साइड में लगा लेना है, क्योंकि ये हाथ की सेफ्टी के लिए दिया गया है। तो मैंने यहाँ पर इसे इस तरीके से मोड़ लिया है। तो यहाँ पे इसके हैंडल को पकड़ के आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं, बस आपको इसके स्विच को पीछे से ऑन ऑफ कर लेना है। तो चलिए मैं आपको इसे चेक करके दिखा देता हूँ किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे मेरे पास ये लोहे की एक पत्ती है, मैं आपको इसे काट के दिखा देता हूँ।
तो चलिए मैं यहाँ पे इसके स्विच को ऑन करके आपको इसे चेक करके दिखा देता हूँ। तो देख पा रहे फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो ग्राइंडर है वो यहाँ पे वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।